होने के बाद उत्तर प्रदेश के बाहर अलग जिलों में अलग राज्यों में काम कर रहे लोगों के बीच अब ये समस्या खड़ी है कि वो किस तरह से अपने जीवन यापन करेंगे। उसके बाद लोगों ने पैदल और साइकिल से ही अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास किया है। सैकड़ों मीटर की यात्रा करने के बाद लगातार लोग पैदल चले आ रहे हैं और लोगों को यहाँ आगरा और कानपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम है, जुड़ा हुआ है। सुबह से ही लगातार लोग यहाँ इकट्ठे हो जा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह काम किया कि लोगों को यहाँ से खाना खिलवाया, पानी पिलवाया, उसमें लोगों को गंतव्य तक राहत देने के लिए जो यहाँ जो भी वाहन यहाँ से निकल रहा है उनको रुकवाया जा रहा है, उनके गंतव्य तक राहत की जा रही है। यहाँ ऐसा ही खड़े हुए हैं। अभी खुद SSP आगरा यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बॉर्डर रिमांड नहीं की थी किस तरह से लोग अपने घरों तक पहुँच रहे हैं, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके बाद सुबह से शाम तक लगातार श्री वैद्यनाथ प्रसन्न कुमार सौंदर्य यहाँ खड़े रहे और साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। ये अहमदाबाद तो शानदार स्वास्थ्य केंद्र की टीम है, खुद यहाँ डॉक्टर खड़े हुए हैं और वो लगातार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि ऐसा हो कि कोई भी ऐसा भी संदिग्ध कोई व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो और लोगों के बीच आ जाए और लोगों के स्वास्थ्य में खिलवाड़ कर बैठे। इसके लिए लगातार लोग डॉक्टरों की टीम को जो जाँच कर रही है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने कैसे भी कदम उठाया जाए। अभी हम जब मथुरा में थे हमने आपको दिखाया था किस तरह से लोग 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा था। एक व्यक्ति जो ग्रेटर नोएडा से उसको गोरखपुर जाना था और उसी के बाद जब हमने बात की थी उन लोगों ने बताया था कि जो लॉकडाउन होने के बाद लोगों के सामने एक कल यह भी है कि अगर वो शहर में रहते हैं तो उन्हें कोरोना हो जाएगा और अगर कोरोना हुआ तो बहुत कम से कम गाँव में होगी, इसलिए लोगों ने पैदल अपने घर पर पहुँच रही उसे समझा है और जिस तरह से जो भी साधन मिल रहा है लोग अपने घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगातार आसानी साधन मिल रहा है, कई सारे लोग हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप फोटो दिखाएंगे किस तरह से लोग टैंकरों के बीच बैठकर टैंकरों के ऊपर बैठकर और ऊपर लटककर अपने उनको घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर सरकार द्वारा भी ये साफ कह दिया गया है कि अगर किसी भी जिले में किसी व्यक्ति की दुर्घटना मौत होती है तो उसके जिम्मेदार जिलाधिकारी होंगे। इसके बाद लगातार जिलाधिकारी और पुलिस टीम ने लोगों को खाना खिलाने की शुरुआत कर दी है और जगह जगह पर खाने के पैकेट बनाकर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हालांकि नोएडा के जिलाधिकारी ने यह साफ निर्देश कर दिया है कि एक महीने का किराया जो लोग किराएदार रहे और जो जो किराए पर रहते हैं नोएडा में उनसे एक महीने का किराया न वसूला जाए, लेकिन लगातार लोगों के बीच डर है, डर कोरोना का है और लगातार लॉकडाउन के बाद लोग चले आ रहे हैं। इसी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम लगातार और यहाँ के स्थानीय लोग भी कुछ लोगों कर रहे हैं, लोग कदम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तापमान बताने के थोड़ी देर पहले यहाँ लोगों का हुजूम था, उसके बाद गोली वसूल चलाई गई और लोगों को उनके कदम तक पहुँचाने की कोशिश की गई और तुरंत ही यहाँ पर जब सूचना मिली कि लोगों का हुजूम ज़्यादा इकट्ठा हो गया है SSP आगरा वगैरह पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटरिंग करके लोगों को घर पहुँचाने की कोशिश की और इसके अलावा यहाँ से आगे भी करीब 7 किलोमीटर पर करीब 2,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसको ही बस के द्वारा ये उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूद टीम में उनकी सहायता से गंतव्य को रवाना किया गया। वहीं बसों के अलावा लोगों की संख्या इतनी हुई है कि लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं और बस में पहुँच नहीं पा रहे। देखिए अगर इस तरह से कुछ ज़्यादा दिखा दिया कि लोग ये मजबूरी है इनकी घरों को और अब लोगों का हुजूम इतना अधिक है, लोग यहाँ से नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और नई दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के लोग जो जॉब करते थे वो अब घर पर लौटने को मजबूर हैं। लगातार देख सकते हैं किस तरह से लोग ट्रक और बसें जो मिलती हैं, टैंकर जो मिलता है,
तो वहीं लोगों की जांच के लिए आपने पहले बता दिया, हमने आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल लगातार रखी है और लोगों की जांच कर रही है। तो वहीं हम भी आपका अनुरोध करते हैं कि सर किसी तरह से आप अपने घर में बने रहिए, क्योंकि यह सब जो किया जा रहा है लोगों तक पहुँचाने के लिए, जिससे लोग अपने घर पहुँच सकें और लोग घरों के अंदर रह सकें। लगातार जिलाधिकारी आगरा वीडियो डाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों के अंदर बने रहिए। द्वारा आपकी हेल्पलाइन के लिए नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लगातार उनके लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है, चाहे वो राशन की समस्या हो और स्वास्थ्य की समस्या हो, तो उससे आपको तुरंत सेवा दी जाएगी। एडवांस दीपक बघेल के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।